हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक ट्यूटोरियल। हमने चंडीगढ़ पुलिस का जीके का सिलेबस डिस्कस किया था। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको, करंट अफेयर है ये, आप डेली पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल। स्टेट वाली है वो मैं डाल रहा हूँ डे बाय डे, दो डाल दी है मैंने, अक्टूबर की और सेप्टेम्बर की। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर मैं आज ही बनाई है वीडियो, इम्पोर्टेंट डेज की ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेज के बाद बसते हैं साइंस एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। ये है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बना चुका हूँ मैं। ये रहती है बजट एंड फाइव ईयर प्लान्स। इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़ रहती है। स्पोर्ट्स की रहती है, अवार्ड की रहती है, एब्रीवेशन रहती है, और कंट्रीज और कैपिटल रहती हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात रहती हैं। सात मैं अभी फ़िलहाल बात करते हैं साइंस एंड इन्वेंशन डिस्कवरीज, इसकी बात करते हैं आज। और स्पोर्ट्स की, अवार्ड्स की, एब्रीवेशन की, कंट्रीज कैपिटल की, कंट्रीज कैपिटल की आज शाम को वीडियो ज़रूर देखिए। इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं चंडीगढ़ से रिलेटेड। चंडीगढ़ पुलिस का ही सिलेबस मेंशन किया है, फालतू का नहीं किया। तो आप चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस, HSSC मेनली तीन है, अभी इनका एग्ज़ाम होना है तो इन्हीं का सिलेबस डिस्कस किया है, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक खोजे और खोजकर्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक खोजे और खोजकर्ता। ये हमारा टॉपिक है, 24 हैं लगभग, 24 हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 24 हैं, जल्दी ही कंप्लीट होगी 24। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, क्या आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी JJ थॉमसन। अब इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। इसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। इनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे हम, आप नाम याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो मैं लिख देता हूँ नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इसके बाद डायनेमो की खोज की थी माइकल फ्राडे। इसके बाद है नेक्स्ट परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। इसके बाद है रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी वेकवेरेल। इंग्लिश नेम है भाई, प्रोनंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो रेडियम की खोज की थी हेनरी मैडम क्यूरी ने।
डायनामाइट की खोज की थी एल्फ्रेड नोबल ने, और पी एच स्केल की खोज की थी एस पी सोरेन्स ने, हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। इसके बाद है नाइट्रोजन की रदरफोर्ड ने, और ऑक्सीजन की सीले और प्रिस्टले ने, थोरियम की बर्जीलियस ने, टीवी की जे एल वियर्ड ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसके बाद है बैरोमीटर की टोरी शेली ने, रेल इंजन की जॉर्ज स्टीफेंस ने, और ग्रामोफोन की एडिसन ने। नेक्स्ट इसके बाद है दूरबीन की गैलीलियो ने, और भाप इंजन की जेम्स वाट ने। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की फैराडे ने, और एक्स किरण की रोंटेजन ने, और लघु गणक की जॉन नेपियर ने। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पीडीएफ मैं स्नैपशॉट लेके पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। केवल आपका एकमात्र एक कमेंट करने से ही पीडीएफ में डाल दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है ज़रा सी भी, तो लाइक कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो कमेंट कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।